हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो ब्लॉग है वो है बेगमपुर में, जो दिल्ली में है, बेगमपुर दिल्ली। और मैं यहाँ एक किले में, जो कि बेगमपुर में है, बहुत ही पुराना किला है। तो आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। तो मैं आपको बता दूँ कि आज संडे है और आज बेकरी में, तो सोचा कि ब्लॉग बनाते हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अब बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा बिजी भी था और टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज ब्लॉग बनाते हैं और आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आप लोग को यहाँ पे कैसे आना है मैं आपको थोड़ा देर में बताऊँगा। तो गाइस, ये है एंट्री गेट जहाँ से मैंने इंटर किया है। ये देखो, जो सामने आपको दिख रहा है वो एंट्री गेट है। और फिर यहाँ से आप अंदर आ सकते हो। ये देखो, पूरा काफ़ी बड़ा सा किला है। ये देखो, ये एक गेट है। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको एक गेट मिलेगा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। यहाँ पे कुछ बोरियाँ रखी गई हैं, पता नहीं किस काम की है। तो यहाँ से ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ये एक बड़ी सी गेट है, बहुत ही मोटे मोटे पिलर से बनाया गया है ये किला। ये देख लो गेट। काफ़ी बड़ा है। तो गाइज, आप जैसे ही अंदर आओगे आपको इस तरह कुछ देखने को मिलेगा। इसके चारों तरफ कॉरिडोर बनाया गया है, आप देख सकते हो इधर। और इसके अंदर अंदर जा सकते हो। ये देखिए, इस तरह का कॉरिडोर है, इसके चारों तरफ बनाया गया है। और इसके ऊपर गुंबद है। तो चलिए, मैं आपको ऊपर गुंबद पे लेके चलता हूँ। तो गाइज, अभी मैं बिल्कुल ही सेंटर में हूँ। और देखिए, इस तरह कुछ दिखेगा आपको। काफ़ी धूप है, अच्छा भी लग रहा है क्योंकि दिल्ली में ठंड है और इस तरह का धूप बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इस तरह का सीन आपको देखने को मिलेगा सेंटर में, जब भी आप सेंटर में आओगे। तो ये चारों तरफ कॉरिडोर है। देखिए, कुछ लोग भी है यहाँ पे घूम रहे हैं। ये चारों तरफ कॉरिडोर है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले। ये और ऊपर जाना है मुझे, तो कैसे जा सकते हैं? यस, देखिए यहाँ पे एक रास्ता दिया गया है ऊपर जाने के लिए। तो चलिए चलते ऊपर। सो गाइस, फाइनली हम ऊपर आ गए हैं। और पता नहीं आपको सही दिख रहा होगा नहीं, बट धूप बहुत आ रहा है। तो सब देखिए, इस तरह का कुछ सीन है ये सारा। और मैं ऊपर आ गया हूँ।
काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ से, आप देख सकते हो नीचे पूरा किला दिख रहा है यहाँ से। अगर मैं गुंबद पे चढ़ूँगा तो और भी अच्छा व्यू आ सकता है। तो मुझे यार वहाँ पे जाना, आप देख रहे हो यहाँ, यहाँ पर बहुत ही सही होगा व्यू। काफ़ी मैंने काफ़ी को देखा ऊपर बैठे, बट देखते हैं, अगर कोशिश करते हैं, अगर जा पाया तो सही है, वैसे जबरदस्ती तो नहीं करना, क्योंकि सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इस किनारे पूरा आपको ऐसे ही गुंबद मिलेंगे छोटे छोटे, और ये आप देख रहे हो ये बेगमपुर का पार्क है। ये बेगमपुर एक्चुअली ये पड़ता है आपका हौज खास में है बेगमपुर। वैसे तो बेगमपुर बहुत बड़ा एक गांव है, जैसे आप मेनली अगर आप यहाँ पे आना चाहें, जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ पर है, तो आपको हौज खास गेट नंबर 1 से उतर के आना होगा। जमीन में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, तो आपको आना पड़ेगा, आपको हौज खास मेट्रो गेट नंबर 1 पे उतरना है, आपको वहाँ से बाहर निकलना है, फिर तो वहाँ से आप को किसी से ही पूछ लेना कि मेरे को किला जाना, पुराना किला, तो आपको बता देंगे। मेनली वहाँ से 5 से 10 मिनट का रास्ता है यहाँ पर। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक पार्क भी है, जो कि आपको मैं थोड़ा दिखा दूंगा पीछे, और मैं वहाँ का ही ब्लॉग किसी न किसी ने बना दूंगा। उस पार्क की खासियत यह है कि उस पार्क को घूमने में आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, इतना बड़ा है वो पार्क, उससे भी ज़्यादा ही लग जाएगा, बट कम नहीं लगने वाला। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा ये ब्लॉग, और नेक्स्ट ही जल्दी हम उस पार्क का ही ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी मैं खड़ा हूँ, देखो सॉरी बैठा हूँ इस यहाँ पे बॉर्डर, और इस तरह का व्यू है इधर मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब आगे अपने। तो गाइज हमें जाना है वहाँ पे, तो वहाँ पे कहीं जा सकते हैं, मुझे तो पहले इधर से क्रॉस करना पड़ेगा, ये देखिए थोड़ा अच्छे से संभल के आना पड़ेगा मुझे, तो पहले उठते हैं। मुझे जाना है इधर से सामने, देखिए जो पार्क मैंने आपको बताया, काफ़ी बड़ा पार्क है आप देख सकते हो, काफ़ी इसमें जिम करने के लिए आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और अच्छा खासा प्लेग्राउंड है इसमें। मैंने एक दिन देखा यहाँ पे करीब बहुत सारे प्लेग्राउंड है आप कह सकते हो, मतलब जहाँ पे आप ठीक ठाक फुटबॉल क्रिकेट वगैरह आपने टाइम पास कर सकते हो। यहाँ पर देखिए बच्चे कुछ खेल भी रहे हैं। मैं कल नहीं तो परसों इस पार्क का ही ब्लॉग बनाऊँगा। तो गाइज मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल बटन है उसको भी आप ज़रूर से प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और आप उसका मज़ा ले सकें। ये देखिए यहाँ पर कुछ प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए काफ़ी बड़ा पार्क है, जो आप सारा देख रहे हो ना पेड़, सब पार्क के ही अंडर है। एक इधर चल रहे हैं, एक ग्राउंड आप यहाँ होंगे, एक ग्राउंड छोटा सा इधर भी है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो वहाँ भी बच्चे खेल रहे हैं। तो अच्छा खासा ग्राउंड है यार ये। तो अपना जो मेन फोकस था यहाँ यहाँ जाना, तो चलते हैं अपने उधर।
देखिए छोटे छोटे गुंबद हैं इस तरह के बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ कुछ रियाज। तो ये एक आप कह सकते हो कपल रिसोर्ट भी है, यहाँ पर आते रहते हैं भाई अपने भाई लोग। एक बार चलते हैं यहाँ से कैसा व्यू है पहले ये देख लेते हैं। तो मैं उसमें वहाँ पे था और अभी मैं जस्ट इसके नीचे हूँ। यार यहाँ पर रास्ते अजीब है जाने के लिए, लेकिन ना एट अ टाइम एक ही कोई जा सकता है ऊपर। ये देखो रास्ता, यहाँ से भी नीचे जाने का रास्ता होगा, यहाँ नीचे का। यहाँ पे खड्डा मुझे दिख रहा है, देखते हैं खड्डा क्या है। ओ लगता है ये ब्रेक कर गया है, कभी टूट चुका है यहाँ से। सो बी केयरफुल अगर आप कभी यहाँ आते हो तो। और हाँ गाइस, इस तरह के किले से यार आप कभी आते हो तो यहाँ पे आप मजाक उजाक ना करें, लाइक किसी को धक्का देना या कुछ भी, क्योंकि यार कुछ भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। तो अभी हम यहाँ से ना जाके इधर से चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक रास्ता देखा था, ये देखो ये रास्ता जो है ये है। काफ़ी अच्छा व्यू है यार। और वहाँ भी देखो, वहाँ से भी ब्रेक कर गया है। तो ये किला काफ़ी पुराना लगता है क्योंकि ब्रेक हो रहा है सभी जगहों से। चलते अब नीचे। इसके बारे में आपको बता दूँगा सर्च करके फ्रॉम गूगल। ये देखो यहाँ से ब्रेक कर गया है, सारा टूट रहा है किला, काफ़ी पुराना हो चुका है लग रहा है। अब मैं वहाँ से एंटर किया था, देख लो कुछ लोग जा रहे हैं वहाँ से। और ये नीचे का व्यू है, ये शायद नीचे जाने का रास्ता है, बट मैं यहाँ से तो नीचे नहीं जाने वाला यार, क्योंकि बहुत डर लगेगा। चलो ठीक है, अब ये पता नहीं कहाँ जाने का रास्ता है, वापस से चलते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। मे बी ये ऊपर जाने का रास्ता है, तो ये तो कुछ सेफ लग रहा है। चलो चलते हैं। ओह यहाँ से यार डर तो काफी लग रहा है, बट चलते हैं। देन यहाँ तो आ गया हूँ, और एक बार चलते हैं फिर यहाँ से एक और रास्ता है। और सीढ़ी, फाइनली
सो गाइस फाइनली मैं वहाँ पे आ गया जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मुझे टॉप मोस्ट गुंबद पे जाना है, तो वो मेरे जस्ट कैमरे के पीछे ही है। तो अभी मैं यहाँ बैठ गया हूँ इस तरह से, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी थी काफ़ी आ रही थी तो फेस सही से दिख नहीं रहा था। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा चीज़ दिखा दिया है पार्क में। वैसे कुछ है नहीं पार्क, बस सॉरी जो ये किला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको किले ही मिलेंगे और कुछ तो है नहीं। बस आप यहाँ देखो अपनी हिस्ट्री के बारे में जानो, यही है। और मैं आपको गुंबद दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं वहाँ पे आपको लेके जाऊँगा, और यहाँ से कैसा व्यू आपको देखने को मिलेगा ये भी दिखाऊँगा। तो प्लेन जा रहा है पीछे तो ये देखिए जो मैंने आपको बोला था मैं टॉप मोस्ट गुंबद पे जाना, तो ये है वो गुंबद। और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, ये नीचे है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस तरह से चारों तरफ ये देख लो गुंबद बना हुआ है। और यहाँ से सारा बेगमपुर देख सकते हो, दिख रहा है सारा। आपको यहाँ भी दिखाते हैं, यहाँ पर चढ़ गए, ये देख लो गुंबदों की लाइन लगी पड़ी है। इधर भी वो मतलब चारों तरफ गुंबद, ये सबसे बड़ा गुंबद जो मैं आपको बताया था। एक्चुअली मुझे लगता है कि यहाँ पे नमाज पढ़ा जाता होगा पुराने समय में, क्योंकि काफ़ी मजबूत थे अभी भी, मगर अब धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है किला। ये देखो कि यहाँ अरे को देखो वहाँ, और कहीं कहीं गुम्बजी ब्रेक हो रहे हैं, आप देख पा रहे होगे तो देख। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अभी तक आप बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप कमेंट भी कर सकते हो वीडियो में कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आपकी क्या राय है। तो चलिए फिर चलते हैं फिर वापस। और गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, मगर कर ज़रूर देना। और गाइज मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में बहुत सारे घूमने की जगह है यार, यहाँ पे कमी नहीं है घूमने की, अगर आप चाहो घूमना तो यार जो दिल्ली से नहीं है, अगर उनको कहीं पर आपने कहीं पर किसी चीज़ का नाम सुन रखा है कि यहाँ पर वो है या फिर कोई भी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ये भाई मेरे को यहाँ ये देखनी है या वो कुछ भी देखना है, या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो गया, कुछ भी आपको जो अपने चाहते हो देखना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके ऊपर आपको ब्लॉग बनाऊंगा यार। क्योंकि एट अ टाइम सोचना पॉसिबल नहीं होता कि आज यहाँ बनाना है, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे डिफरेंट तो मैं एक लिस्ट बनाऊँगा और होपफुली उस पर ब्लॉग बनाऊँगा। और इन फ्यूचर जब तक मैं दिल्ली में हूँ यार, तब तक अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और मैं जहाँ भी रहूँगा आपको वहाँ से रिलेटेड जो भी घूमने फिरने की जगह हैं मैं आपको ब्लॉग बनाऊँगा और आपको साथ शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।
अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक जरूर करना, और अपने एडवाइस कोई हो तो बताओ, और चैनल को तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आज संडे है तो आप इन्जॉय करो छुट्टी को अच्छे से, और फिर नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो पार्क के ऊपर रहेगा। तो बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।